सर एक मिनट इधर, थैंक यू सर। इधर सर, लो और बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। क्या करूं, सही है क्या? अरे रफीक भाई, माननीय पुलिस आयुक्त श्री पंसाकर साहब को NIA की तरफ से जानकारी मिली थी, एक आदमी जाली नोट लेके मुमरा में आ रहा है, तो उस हिसाब से हमको उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर किया था और कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। उनके आदेश के मुताबिक कल हमारे API बोर से और उनकी टीम ने जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक छापा डाला था संजय नगर अमृत नगर में, और अमृत नगर में छापा डालने के बाद में एक आदमी जसीम उर्फ वसीम सलीम शेख, ये 42 ईयर्स का है, अमृत नगर में रहता है शादीमल रोड पे, उसको ताबे में लिया और वहाँ 82,000 रुपीज़ यानी 82,000 रुपये, हमको 500 रुपये की जो नोट रहती वो 164 नोट मिली है और वो सब जाली है। उसने जब ताबे में लिया तो वो नोट उसने बेंगलोर से लाया ऐसा बताया है, उसके ऊपर आगे जांच की जा रही है और ये सब जब्त करने के बाद में, जाली नोट जब्त करने के बाद में उसके खिलाफ 489B और 489C IPC के धारा मुताबिक गुना दाखिल किया है और उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। आज उसको कोर्ट में हाजिर किया था PI मुजावर साहब ने और उसको 24 तारीख तक PCR दिया है कोर्ट ने। सर ये क्या करें, ऐसे कि जो जाली नोट लाए हैं तो उसने कोशिश किया है, अभी वो आगे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि उसने यूज़ किया नहीं किया करके। सर कहाँ से लाए? कहे मुताबिक एक्स के कहे मुताबिक जिसको अरेस्ट किया है उसने बताया कि ये बेंगलोर से लाया हुआ है, तो उसकी भी जान चालू है हमारी कि बंगलोर से कहाँ से लाया और कैसे उसने यहाँ तक लाया, ये जान चालू है। ये पूरा खुद का मकान है, उसका पुराना मकान है और उसके घर में बच्चे हैं, बीवी है, ये उसके खिलाफ में 3 मामले दाखिल है। इसके पहले वो चोरी के मामले दाखिल है, मोबाइल थेफ्ट में कोलकाता में एक मामला दाखिल है उसके खिलाफ में, कलकत्ता में एक आदमी से उसकी पहचान हुई थी और उसके ऊपर से बेंगलोर वाले आदमी से उसकी पहचान हो गई, वो वहाँ से उसने ये जाली नोट लाए। अच्छा, मूल में और उसके खिलाफ में 399 के ऑफेंस रजिस्टर है प्रॉपर मार्केट में, उसके खिलाफ वो बता रहा है, अभी वो वेरिफिकेशन होना है। अच्छा, प्लानिंग रॉबरी तारीख तक उसका रिमांड मिला है। ये जो नोट लाए थे उसने 30,000 रुपये दे के ये नोट लाए थे, तो वो अभी आगे चलेगा क्योंकि रमजान का महीना था, लोग मार्केट में जाते हैं, तो उस हिसाब से उसने नोट खपाने की कोशिश किया है एक्चुअली, लेकिन अभी सफल हुआ नहीं हुआ वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। नोट हाथ में लिया या 2000 के नोट हाथ में लिया तो आपको पता चलता है कि असली नोट कैसी है और जाली नोट कैसी है, तो ये मुझे ऐसा जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा है कि ये प्रिंट किया हुआ नोट है, स्कैनर के जरिए प्रिंट किया हुआ नोट है, इसकी नोट है ये 8 अबाउट। सर ये पिछले कुछ दिनों से मतलब करें NIA इंस्टीट्यूट को मिली थी, NIA ने हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर साहब को दिया था, पुलिस कमिश्नर साहब ने हमको वर्कआउट करने की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे, उसके ऊपर से कल बहुत स्विफ्ट यानी बिल्कुल 2-3 घंटे में एक्शन तुरंत में ले लिया, क्योंकि सिर्फ लोकेशन के ऊपर से आपको आदमी का कुछ भी पता नहीं था एक्चुअली, सिर्फ लोकेशन के ऊपर से पता चल रहा था कि एक आदमी के पास में जाली नोट है, उस हिसाब से हम लोगों ने उसको ट्रैक किया था और पहले वो रेलवे स्टेशन की तरफ गया, रेलवे स्टेशन की तरफ से फिर उसका पीछा किया और वो कहीं इधर उधर जा रहा था, तो जैसा जैसा उसको ये किया ट्रैक किया हम, उसके बाद में उसके घर में ये सब मिला है, कुल कितने ये सब ऑपरेशन चला है, ये सब ध्यान देना चाहिए कि असली नोट है कि नहीं, जाली नोट है कि नहीं, उसके ऊपर टिपिकल ट्रेडमार्क्स होते हैं असली नोट और जाली नोट में, तो वो मार्केटिंग के समय अभी भीड़ भाड़ का इलाका है और रमजान का महीना लोग मार्केट के लिए बाहर निकलते हैं, तो दुकानदार और बाकी पब्लिक ने ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। सर ये रेगुलर इसमें नहीं, ये सिर्फ ट्रेन में चोरी करता है, हाँ इसकी आदत है कि ट्रेन में ट्रैवल करना और ट्रेन के जरिए जो मोबाइल ट्रैवलर्स है उनके मोबाइल चोरी करना, ये इनकी आदत है। अच्छा, फिर वो पैसे बिल्कुल आगे जांच चालू है और हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन लिए जाएगी बाहर, तो गिरफ्तारी 100% होगी इसमें। सर देख रहे हैं उसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो चेक करेंगे।